गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। ठीक है, पावर पॉइंट स्टडी हम पढ़ेंगे डेली करेंट अफेयर। इसमें शाम का बैच किसका लगता है? शाम का इसमें लूसेंट का बैच लगता है, जिसमें जो बच्चों को लूसेंट पढ़नी हो वो शाम वाले बैच में आ जाइए। हम पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ेंगे? डेली करेंट अफेयर, देश विदेश की जानकारियाँ। आज है 9 जनवरी और हम पढ़ेंगे 8 जनवरी की डेली करंट अफेयर। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इसमें हम पढ़ेंगे यूपी के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार जीता। ठीक है, क्या किया यूपी ने कौन से तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार इसमें क्या किया? फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। किसने? यूपी ने। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 2018 में। ठीक है, इसमें यूपी ने कौन सा तीसरे राष्ट्रीय मतलब तीसरा वाला जो एक तरीके से संस्करण हुआ उसमें यूपी ने पहला स्थान प्राप्त किया। ठीक है, और नंबर दूसरे पे राजस्थान और फिर है तमिलनाडु। ठीक है, ये किसने स्टार्ट किया था? पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में। कब? 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसमें किस किस चीज़ की विशेषता देखी जाती है? इसमें देशा रखता है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा। ठीक है, क्या हुआ? गंगा संरक्षण विकास और देखो इसमें जल संस्थान द्वारा, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा, और किसके द्वारा देखा जाता है? जल शक्ति मंत्रालय भी शामिल है कि मतलब जल का किस तरीके से उपयोग कर रहे हैं। इसमें 11वीं विभिन्न इसमें क्या किसमें इसमें 11 विभिन्न श्रेणियों के आधार पर देखा जाता है, 11 विभिन्न श्रेणियों के आधार पर इस चीज़ को देखा जाए, जिसके बाद ही राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जाता है जो कि यूपी को मिला है। ठीक है, तीसरे उसमें राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको? यूपी को मिला। इसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु इसके बाद थर्ड पोजीशन पर हासिल की है। ठीक है, इसमें बहुत सारे विभागों द्वारा जल के सही उपयोग का विवरण देखा जाता है। भारत ने क्या किया? भारत ने प्रशांत महासागर में बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास किया। कौन सा युद्ध अभ्यास किया? युद्ध अभ्यास में किया जिसमें
प्रशांत प्रशांत के देश शामिल है, ठीक है, हिंद और प्रशांत के देश शामिल है किसमें, प्रशांत महासागर बहुपक्षीय पनडुब्बी में, क्या है, हिंद और हिंद प्रशांत महासागर में बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास में छह हिंद और प्रशांत के देश शामिल है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया, इसमें छह हिंद और इसमें एक और देश शामिल और होगा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण कोरिया, ठीक है, एक देश का नाम अभी शामिल हुआ इसमें बहुपक्षीय बताया गया, इसमें अभी पांच ही देश है, इसमें एक और देश है जिसका नाम बताया नहीं गया है, ठीक है, इसमें कोई भी देश अभी मतलब शुरू हुआ है, ठीक है, अभी ये कितने घंटे का होगा, इसमें कितने, छह हिंद प्रशांत देश, इसमें शायद श्रीलंका भी आ जाए, श्रीलंका भी आ सकता है इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, छह बॉक्स बहुपक्षीय पनडुब्बी और ये कितने घंटे, 270 घंटे, कितने 270 घंटे से अधिक इन फ्लाइट, ठीक है, इन फ्लाइट प्रशिक्षण शामिल है इसमें, इन फ्लाइट प्रशिक्षण शामिल है इसमें, ठीक है, कि भारत में प्रशांत महासागर के बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास को जो कि छह हिंद प्रशांत के देश के भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया और शायद श्रीलंका भी हो सकता है, छठवें देश का नाम इसमें बताया नहीं गया, ठीक है, और यह 270 घंटे की इन फ्लाइट प्रशिक्षण शामिल रहेगा इसमें, ठीक है, इन फ्लाइट प्रशिक्षण शामिल रहेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, दिल्ली विद्युत निगम द्वारा, कौन सा, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग द्वारा क्या किया गया, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग द्वारा पावर एनर्जी, किसके पावर एनर्जी इन एनर्जी श्रेणी में, किसके पावर एनर्जी इन पावर इन एनर्जी सॉरी इसमें है पावर इन एनर्जी श्रेणी के श्रेणी में एस कोच रजत जीता, ने एस को रजत जीता, किसने जीता, दिल्ली ने जीता, दिल्ली के विद्युत नियामक आयोग ने पावर इन एनर्जी श्रेणी में स्कैचू रजत जीता, ठीक है, यह पुरस्कार गुणवत्ता और बिजली की कौन सी सस्ती बिजली की गुणवत्ता और बिजली की उपलब्धता पर किसकी बिजली की उपलब्धता पर निर्भर करता है, सुनिश्चित करता है कि मतलब इस चीज़ की बिजली कितनी सस्ती है और इसकी उपलब्धता कितनी मतलब हर तरीके से की गई है, ठीक है, इस चीज़ पर यह पुरस्कार का क्या रखता है, महत्व रखता है, और जो जीतने वाले मतलब एक तरीके से सस्ती बिजली मतलब सबसे सस्ती बिजली और उसकी गुणवत्ता की मतलब अच्छी बिजली और उसकी उपलब्धता की उसके सबसे पास बिना किसी नुकसान के इस चीज़ को मिलने के लिए बताया गया है, ठीक है। चीन के शोधकों द्वारा, ठीक है, किसके, चीन के शोधकर्ताओं द्वारा
चीन के शोधकर्ताओं द्वारा एक औद्योगिक रोबोट विकसित किया गया है। ठीक है, चीन के शोधकर्ताओं द्वारा क्या किया गया, एक रोबोट, एक रोबोट। ठीक है, चीन के शोधकर्ताओं द्वारा एक रोबोट विकसित किया गया है। ठीक है, जो कि मानव सह कर्मचारी के, जो कि मानव सह कर्मचारी के कर्मचारी के दिमाग के दिमाग के 96% सटीकता 96% सटीकता से पढ़ सकता है। ठीक है, इन्होंने एक ऐसा रोबोट विकसित किया है जो मानव सह कर्मचारी के दिमाग दिमाग ठीक है दिमाग दिमाग सही दिमाग के 96% सटीकता से पढ़ सकता है। ये चीन ने एक ऐसा रोबोट विकसित किया है, यह मांसपेशियों से विद्युत संकेतों को भी एकत्रित कर सकता है। संकेत को एकत्रित कर सकता है। ठीक है, ये किसी मानव मस्तिष्क से मांसपेशियों के विद्युत संकेतों को क्या कर सकता है, ये एकत्रित कर सकता है और एक तरीके से इनको एकत्रित कर एक जटिल उत्पादन की करने का, ठीक है, एकत्रित कर सकता है क्योंकि एकत्रित कर सकता है और यह एक जटिल उत्पाद को इकट्ठा करने में काम करता है, इकट्ठा करने का काम करता है। ठीक है, मतलब क्या कर सकता है, जो कि मांसपेशियों से विद्युत संकेतों को एकत्रित करता है, यह एक जटिल उत्पादन है। मतलब एक तरीके से मांसपेशियों को संकेतों को इकट्ठा करना भी एक बहुत बड़ी बात है, जिसने चीन ने जिसको शामिल कर लिया है। ठीक है, चीन ने अपनी रोबोटिक के द्वारा इस चीज़ को क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। और यह किसके द्वारा बनाया गया है, यह बनाया गया है चाइनीज गॉर्जेस यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के इंटेलिजेंट चाइनीज 3 ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी के इंटेलिजेंट ने क्या किया, इस चीज का क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन टेक्नोलॉजी सेंटर ने इसको क्या किया, विकसित किया। एक ऐसा रोबोट विकसित किया जो कि मस्तिष्क की 96% सटीकता से पढ़ सकता है। ठीक है, और दिमाग की संकेतों को एकत्रित कर सकता है। एक तरीके से इसने चाइना ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर दिया, क्योंकि किसी मानव शरीर के दिमाग की सटीकता से 96% सटीकता से पढ़ना एक तरीके से बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को चाइना ने कर दिखाया है। ठीक है, भारत के कृषि और
कल्याण, भारत के किसी और कल्याण विभाग, भारत के किसी कल्याण विभाग और अमेरिका के, कौन सा अमेरिका के कृषि कल्याण विभाग, ठीक है, अमेरिका के किसी, सॉरी अमेरिका के कृषि विभाग, अमेरिका के कृषि विभाग, अमेरिका के पास सिर्फ कृषि विभाग है, कृषि विभाग के बीच एक क्या हुआ, एक नए समझौते पर क्या हुआ, हस्ताक्षर हुए, ठीक है, एक नया ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर हुए, इसमें एक नया समझौता हुआ, एक तरीके समझौता ही हुआ, ठीक है, एक नया समझौता हुआ, इस समझौते के तहत भारत, इस समझौते के भारत क्या करेगा, भारत अमेरिका, अमेरिका के अमेरिका को क्या, भारत अमेरिका को आर्मों का क्या करेगा, निर्यात शुरू करेगा, ठीक है, ये कब कब से शुरू करेगा, अब भारत के कृषि कल्याण विभाग और अमेरिका के कृषि कल्याण विभाग के एक नए समझौते के तहत भारत अमेरिका को आर्मों का निर्यात शुरू करेगा, भारत 2.5 साल के दौरान, 2.5 साल के दौरान यूएस आर्मी को, यूएस आर्मों को, यूएस आर्मों को निर्यात नहीं किया, ठीक है, इसने अभी 2.5 साल से क्या किया, निर्यात नहीं किया भारत ने, ठीक है, भारत ने निर्यात नहीं किया, क्योंकि क्यों नहीं किया, क्योंकि यूएस फाई टो सैनी टीरियो, सैनी टीरियो, सैनी टीरियो निरीक्षण, निरीक्षकों, ठीक है, निरीक्षकों में क्या था, ये निरीक्षक थे 2020 और 21, 20 और 21 के दौरान इन्होंने क्या किया, दौरा नहीं किया, ठीक है, इन्होंने भारत में क्या किया, दौरा नहीं किया, इसलिए क्या किया, भारत ने 2.5 साल से इस चीज़ का निर्यात नहीं कर, आर्मों का निर्यात नहीं कर पाया, इसमें इस नए समझौते के तहत, इस नए समझौते के तहत अनार, क्या भारत अनार भी, इस नए अनार भी शामिल है, सम्मिलित है, ठीक है, भारत करेगा इस सब, इस बार अनार का भी क्या करेगा, एक तरीके से निर्यात करेगा इस नए समझौते के तहत, ठीक है, ये किसने बताया, ये भारत के, भारत द्वारा इस समझौते में बताया गया, और इस मतलब अमेरिका ने अपनी रखी है कि आपने इस चीज़ का निर्यात सही करते हैं तो आप हमारे इस चीज़ का, इस चीज़ में आपके यहाँ ये चीज़ सही है तो आप इस चीज़ का हमारे यहाँ निर्यात करेंगे, जिसका पूर्ण तरीके से परीक्षण होगा, पहले देखा जाता है किसी कसौटी पे कि ये सही चीज़ भेज रहे हैं या नहीं, उसके बाद ही निर्यात की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, ठीक है, फिलीपींस ने क्या किया, फिलीपींस ने, फिलीपींस ने, फिलीपींस ने क्या किया, बाल विवाह, क्या किया, फिलीपींस ने बाल विवाह को अवैध कर दिया, क्या होता था, फिलीपींस में बहुत सारे बाल विवाह होते थे, मतलब छोटे में ही शादी करते थे, सिर्फ पैसों के लिए छोटे में ही शादी करते थे, एक तरीके से झंझट को, झंझट खत्म कर, मतलब बच्चों की एक तरीके से कोई वैल्यू नहीं थी वहाँ पे, फिलीपींस सरकार ने इस चीज़ के ऊपर कदम उठा दिया, भारत की देखा देखी इन्होंने अपना कदम उठा दिया, इन्होंने 6 जनवरी को, 6 जनवरी 2022 को इस चीज के ऊपर देश में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, किसके, बाल विवाह पर, बाल विवाह पर प्रतिबंध क्या किया, बाल विवाह पर इन्होंने क्या कर दिया, फिलीपींस ने प्रतिबंध लगा दिया है, यहां पे 6 में से एक लड़की का ही विवाह 18 वर्ष में होता था, क्या हुआ, यहाँ पे 6 में से कोई एक एक लड़की होती थी जिसका विवाह ही 18 वर्ष की आयु में होता था, उससे पहले ही लड़कियों का क्या कर देते, यहाँ पे शादी कर देते, यहाँ के लोगों द्वारा इनकी शादी कर दी जाती थी, जिसके तहत फिलीपींस सरकार ने इस चीज़ के ऊपर कदम उठाया और 6 जनवरी 2022 से बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया अपने यहाँ, ठीक है, ये होगा आज के पॉइंट, फ्रेंड्स लाइक और शेयर करना भूलो, जितने पॉइंट पढ़ा ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये कभी भी आ सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप देख लीजिए, और शाम के टाइम लूसेंट की क्लास होगी, ठीक है, उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।